नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं अजिता। महीनों से जिस रफाल विमान पर भारतीय राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है, उस रफाल डील से जुड़ी कैग की रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो लगा कि अब हंगामा शांत हो जाएगा, लेकिन रफाल पर घमासान बदस्तूर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि जेपीसी जांच से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। राहुल का कहना है कि अगर डील पाक साफ है तो जांच से क्यों भाग रही है सरकार। उधर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ 36 रफाल की डील 2.86% सस्ती की है। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन संसद के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सवाल है कि क्या की रिपोर्ट आने के बाद अब कौन सी सच्चाई बाकी रह गई है। मतलब यह कि इस बार के लोकसभा चुनाव में रफाल खूब चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि रफाल जितना चलेगा वोट आने की संभावना भी उतनी बढ़ेगी। यही है आज का इंडिया का एजेंडा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास लोगों का पैनल मौजूद है, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सोलहवीं लोकसभा के अंतिम बजट सत्र के आखिरी दिन मोदी सरकार ने संसद में राफेल डील पर सीएजी की रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट से जैसे ही ये खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल का सौदा, 2007 में मनमोहन सिंह सरकार में हो रहे 126 राफेल की तुलना में 2.86% सस्ते में किया है। राफेल डील को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल काट रही कांग्रेस और विपक्ष के चौकीदार चोर हैं कि नारों की शोर से संसद भवन गूंज उठा। संसद में विपक्ष ने ऐसा हंगामा काटा कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, राज्यसभा को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगुवाई में टीडीपी, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ संसद से बाहर आ गए। सबने मिलकर संसद परिसर में कागज के राफेल विमान उड़ाए, फिर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर संसद परिसर में पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है के एक सुर में नारे लगाने लगे। राफेल डील पर सीएजी की रिपोर्ट से राहत मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी समेत विपक्ष को करारा जवाब दिया। जेटली ने बयान दिया कि सीएजी की रिपोर्ट ने राहुल गांधी के राफेल के झूठ से पर्दा उठा दिया है। वेल, द सीएजी रिपोर्ट हैज कंप्लीटली विंडिकेटेड द स्टैंड ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। इट हैज ब्लास्टेड द बिग लाई व्हिच वाज बीइंग स्पीयरहेडेड बाय द कांग्रेस पार्टी। The Congress president had manufactured a statistic, 500 versus 1600, a data which doesn't exist anywhere on any record. And on that manufactured data, he repeated that lie ad nauseum to the country on various occasions. Ordinarily, when the Supreme Court saw the pricing, examined the procedures, examined the offset provisions and found no substance, the controversy should have come to an end. संसद में पेश सीएजी की 141 पेज की रिपोर्ट में 2007 के जारी राफेल के टेंडर और 2016 के अनुबंध को तालिका में दर्शाया गया। कैग के मुताबिक मोदी सरकार की राफेल डील मनमोहन सरकार से 2.86% सस्ती है। फ्लाई अवे प्राइस यानी तैयार राफेल का दाम यूपीए सरकार की डील के बराबर है। रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2019 में बताया था कि नई डील में बेसिक प्राइस 9% सस्ता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार के 9% सस्ती डील के दावे को खारिज किया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में राफेल जेट के दाम का खुलासा नहीं किया है। एनडीए सरकार की राफेल डील यूपीए की डील से करीब 17.08% सस्ती है। रक्षा मंत्रालय को बेहतर डील फाइनल करने में कड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूपीए सरकार की डील में राफेल की डिलीवरी 72 महीने में होनी थी, जबकि एनडीए की डील में 71 महीने में ही राफेल की डिलीवरी हो गई। 18 राफेल विमान पिछली डील के मुकाबले 5 महीने पहले ही भारत आ जाएंगे।
कानून मंत्रालय के सलाह पर रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस सरकार से सॉवरन गारंटी मांगी थी। सीसीएस के सामने सितंबर 2016 में सॉवरन गारंटी और लेटर ऑफ कंफर्ट पेश की गई थी। फ्रांस की सरकार ने केवल लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था। राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट और मोदी सरकार की बार बार की सफाई के बाद भी राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी राफेल डील से 2019 में अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कहीं भी किसी भी समय राफेल पे डिबेट करने को तैयार हूं, आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारी मांग सिर्फ यह है कि आप कहते हो कोई घोटाला नहीं हुआ, जेपीसी कराओ। अगर आपने कोई घोटाला नहीं हुआ तो उससे क्यों डर रहे हो? उससे पहले कोलकाता से चलकर संसद भवन पहुंची पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के सांसदों के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर देश को बचाने के लिए नारेबाजी की, फिर प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। संसद में सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले ही मोदी सरकार के पाक साफ साबित होने की आहट मिलते ही कांग्रेस ने मंगलवार को ही कैग की रिपोर्ट पर सवाल उठाकर झूठा बताना शुरू कर दिया था, जिसका गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में करारा जवाब दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि यूपीए के वक्त हुए 126 राफेल की खरीद के सौदे को रद्द कर जब मोदी सरकार ने 36 राफेल की खरीद का सौदा किया था, उस वक्त राजीव महर्षि देश के वित्त सचिव थे, जो अब सीएजी के मौजूद चीफ हैं। अप्रैल मई महीने में 2019 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी सरकार की राफेल डील में गड़बड़ी का आरोप लगाकर चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी और सीएम चंद्रबाबू नायडू मोदी विरोधी नेताओं का महागठबंधन बताकर मोदी को घेरने में जुटे हैं। ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू कहीं 2019 में महागठबंधन बनाकर बाजी न मार जाएं, इसलिए दिल्ली के सीएम से देश का पीएम बनने का ख्वाब देख रहे अरविंद केजरीवाल भी तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली के बहाने दिल्ली के जंतर मंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। अब की बार फिर से देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चलेगी या राफेल की आंधी में मोदी लहर खत्म हो जाएगी, मई में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। रमेश रंजन सिंह के साथ देवनाथ पांडे, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, तो बड़ा सवाल ये है कि 2019 के चुनाव में क्या चलेगा राफेल, और सवाल कुछ और भी हैं। सवाल ये कि राफेल पर सीएजी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश होने के बाद क्या राफेल पर अब भी कोई सवाल रह जाता है? राफेल डील को सीएजी ने यूपीए की डील से पैसे और समय के मामले में बेहतर बताया है, इस पर राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? सवाल नंबर 3 ये कि क्या सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस का सवाल उठाना सही है? सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद राफेल डील की जांच जेपीसी से कराने की मांग जायज है क्या? और सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस राफेल के मुद्दे को लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिंदा रखना चाहती है? और फिर एक और सवाल यह कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में राफेल का मुद्दा जोर शोर से उठेगा? और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए इस वक्त एक पूरा पैनल मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर राजेंद्र सिंह जादौन जी, हमारे साथ पीके सहगल जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उम्मीद है कि अब से थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील भराला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत, आपके पास आते हुए सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई आज तो, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि महा झूठ बंधन का पर्दाफाश हो गया है, अब तो राफेल का राग अलापना बंद कीजिए। अजीता जी, आपने आज क्या श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी या देखी? नंबर 1। नंबर 2, अगर सीएजी की रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जो कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जिस शख्स ने उस सारी राफेल की डील का चोरी किया हुआ पैसा ठीक करने में एज ए फाइनेंशियल सेक्रेटरी काम किया हो या उसके पार्ट रहे हो उस डील के, वो आदमी अगर सीएजी का हेड है तो सीएजी की रिपोर्ट क्या बनेगी, ये आप भी समझ सकती हैं और हम भी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से।
उन सात महीनों के नेगोशिएशन में 10 अप्रैल 2015 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस डील का खुलासा करते हैं फ्रांस में, उस ड्यूरेशन में फाइनेंशियल सेक्रेटरी श्री राजीव महर्षि उस एमएमडी समिति के एक सदस्य भी थे, नंबर एक। नंबर दो, आज का हिंदू अखबार उठाइए, उसमें आईएनटी के तीन महत्वपूर्ण मेंबर्स का जो लाइन ऑफ डिस्टेंट है उसको एक बार पढ़ लीजिए, सारी की सारी चीजें। मैं अभी आपका पूरा वो सुन रहा था, पीसीआर का क्या बनाया हुआ वो जो एक कार्यक्रम होता है, मैं उसमें ये देख रहा था कि समझ रहा था कि अजीता जी ने बनाया है ये, किसने बनाया है, मुझे तो नहीं लगा कि आपने बनाया होगा, क्योंकि उसमें झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं था। आप एक चीज देखिए कि जितने पैसों का राफेल, झूठ का पुलिंदा कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट, हिंदुस्तानी हिसाब से नॉमिनी, एक मिनट, चैनल पर जो भी खबर चलती है वो जो कुछ भी फैक्ट सामने आते हैं उसी पर चलती है। राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको भी चैनल दिखाता है, अरुण जेटली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या ट्वीट करते हैं या जिस भी जरिए से बात करते हैं उसको भी चैनल दिखाता है। किस झूठ की बात कर रहे हैं? आपके फायदे की बात की जाए तो सच, और आपके फायदे की बात ना की जाए तो झूठ। मैं नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, आप बड़ी ख्याति लब्ध एंकर हैं, मेरा स्पष्ट कहना है कि ना हमारी तरफ का सच दिखाइए ना उनकी तरफ का सच दिखाइए, जो जनता की तरफ का सच है वो दिखाइए, जनता के पैसे की कहीं लूट किसी कांग्रेसी ने की हो तो दिखाइए, और किसी भाजपाई ने की हो तो दिखाइए, और किसी अंबानी ने की हो तो भी दिखाइए। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने डिफेंस रोड का जिक्र किया सुरेंद्र राजपूत, वो भी हमारे चैनल ने दिखाया, और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछते हैं। सवाल मेरा ये था आपसे कि रफाल 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 आप जो राग अलाप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है ना आपको सीएजी पर यकीन है ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, आप किसी संस्था को मानते ही नहीं है, किसको मानेंगे आप? ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है, इसका भी बड़े धैर्य पूर्वक जवाब। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन धैर्य की तो मुझे उम्मीद आपसे ही है ना, मैं बिल्कुल, क्योंकि आप हमारी सरपंच है, भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे तो चिल्लाने लगेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप खुद ही बताइए जी, 126 विमानों को भारतीयकरण करने के लिए 100 रुपए लगने थे, वही 100 रुपए 36 विमानों के नवीनीकरण में लग रहे हैं, क्या आपको यह बेईमानी नहीं लग रही? बहुत साफ देखिए, ये सीएजी में है, ये मेरे पास नहीं तो सीएजी की रिपोर्ट का हिस्सा है कि 136 विमानों के नवीनीकरण करने में जो पैसा लग रहा था वो सेम पैसा एक रुपया भी कम नहीं, 36 विमानों के नवीनीकरण में लग रहा है, सेम नवीनीकरण में। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि यहीं पर बेईमानी है, एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो आप डिस्टेंट नोट आप बात कर रही हैं, द हिंदू पेपर एनराम ने जो रिपोर्ट्स आज रखी है, या तो भारत की सरकार को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें, और या फिर उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें। दो ही रास्ते हैं उनके पास, या तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें अगर वो गलत है तो। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जमी हुई है हिंदू अखबार के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ क्यों कह पा रहे हैं साहब ये तो झूठे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये कर रखा है, वो कर रखा है। किसी भी अनपढ़ आदमी से भी पूछ लीजिए आप कि 100 रुपए में आप दो चीजों को ठीक कराना चाहते थे और हम 100 रुपए में 20 चीजों को ठीक कराना चाहते थे, तो भैया 18 चीजें तो हम ज्यादा वो नवीनीकरण करा रहे थे ना। तो यहां पर जिस जगह पर बेईमानी है, जहां पर अनिल अंबानी जी को पैसा दिया गया है, वो चीज आज सीएजी ने न चाहते हुए भी पकड़ा दी आपके हाथ में। आगे आने वाले दिनों में और भी चीजें खुलेंगी, पता चलेगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट की जो आपने कही, तो मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पहली चीज कि राफेल विमान आने चाहिए, बहुत जल्दी आने चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी बात, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट को देख करके बेंचमार्क मान ले, उसके अनुसार भी जो विमान है वो डिले हो रहे हैं क्योंकि आखिरी विमान 10 साल बाद मिल रहा है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने सही तथ्य और सही जानकारियां नहीं रखी, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की दोषी है। जिस तरीके से नागेश्वर राव को सजा मिली है,
समय आने दीजिए, उसी तरीके से वर्तमान सरकार के तमाम जिम्मेवारों को सुप्रीम कोर्ट सजा देगा और इसी तरीके से या तो जेल में बैठाएगा या अपने कोर्ट में बैठाएगा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेवारी पूर्ण तथ्य छुपाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां से जो सो कॉल्ड क्लीन चिट है, जिसमें एक चीज तो तुरंत पकड़ी गई थी, एफिडेविट का झूठ सीएजी वाला, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में घुटनों के बल खड़ी है सरकार, और बाकी जितने तथ्य एनराम दे रहे हैं वो कोई भी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, इस बात को तो आप मानेंगे। वो तो जब कोर्ट से जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा। राजेंद्र सिंह जादौन, मुझे ये बताइए कि सीएजी की रिपोर्ट भी गलत, सुप्रीम कोर्ट में जो कहा जाता है वो भी गलत, आखिर ये संशय की स्थिति आपको भी लगता है कि अभी रफाइल के मुद्दे पर है या मामला स्पष्ट हो चुका है, मामला क्लियर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो जवाब दिया उससे काफ़ी डाउट क्रिएट हो गए कि वो जो है पीएसी के समक्ष कैग की रिपोर्ट चली गई, कैग ने रिपोर्ट दी नहीं थी, सीए पीएसी में जो है रिपोर्ट सौंपी नहीं गई थी, बाद में बताया गया कि टाइपोकल गलती है, तो ये इस तरह का एनवायरनमेंट बना और जेपीसी की जो डिमांड पॉलिटिकली उठाई गई उसको एड्रेस नहीं किया गया, बाद में जर्नलिस्टिक इंटरवेंशन हो गया, अब जो है अखबारों में भी रिपोर्ट आ रही है, तो जर्नलिस्टिक इंटरवेंशन में ये आ गया कि नेगोशिएटिंग टीम के तीन मेंबर जो है उनको आपत्ति थी कि किस तरह से पीएमओ दखल कर रहा है और उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो ये सारा मामला जिस तरह से पॉलिटिकल बना वो ठीक है कि इंस्टीट्यूशंस ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ठीक है इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, और कैग ने भी कहा है कि इतना फायदा हो गया, इतनी जो है कम कीमत में 2.86% का जो है इसमें पिछली सरकार का जो सौदा था उससे कम कीमत में ये सौदा हुआ है, ये तो माना जा सकता है कि ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं को एकदम नकारना भी संभव नहीं, लेकिन जो सवाल खड़े किए गए हैं और जो जर्नलिस्टिक इंटरवेंशन हुआ है उस पर सरकार का क्या जवाब है, क्या वो कैग, पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको लेके उन्होंने जो है पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि सब कुछ जो है कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस सच बोल रही है, तमाम तरह के उन्होंने वो उनके जो दावे थे उनको खारिज करने का काम किया, लेकिन बाद में फिर ये कैग की रिपोर्ट आ गई, तो आखिर में ये एनवायरमेंट जो बना है सरकार की उसको भूल चूक कहे या कुछ प्लांड वे में इन्होंने काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ जवाब पेश कर दिया बाद में उसमें संशोधन की मांग कर डाली, तो आखिर में एक एनवायरमेंट तो बना है और इस एनवायरमेंट को जो डाउट का और संदेह का जो वातावरण बना है उन डाउट को डिस्पेल करने का काम भी सरकार का ही है, उसको पॉलिटिकली जो है इसको डिस्पेल करने की जरूरत है। लेकिन आज तो अरुण जेटली जी ने कह दिया कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, अब ये मामला खत्म है, इस मामले में कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए, सत्य को तो आपको पुष्टि करनी होगी ना, सत्यमेव जयते का नारा जो है वो ठीक है कि वो हमारे जो है ट्रेडिशन में और हमारे जो क्लासिकल जो हमारे जो बुक्स हैं उनमें चला आ रहा है सत्यमेव जयते का नारा, वो ठीक है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन उसको आपको पुष्टि तो करनी होगी, और फिर सत्य से आप डर क्यों रहे, अगर उसमें डिमांड ये है जेपीसी की, चलिए कांग्रेस ने उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया है तो मान लीजिए उसका उसको आप पॉलिटिकली एड्रेस करिए ना, जेपीसी बनाने में परेशानी क्या है, बना देना चाहिए कांग्रेस का, फिर सच जो है जब उसमें सभी दलों के जो मेंबर्स उसमें होंगे जेपीसी में, तो फिर कहां कोई किसी को बचाने का प्रयास कर पाएगा, सब एक दूसरे की निगरानी करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, आप चीन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप लगातार चाहते हैं कि जो गोपनीयता का विषय है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, ये कैसे संभव है? देखिए, कैग ने भी ये तो बताया ही है कि उसमें क्या एनहांसमेंट हुए हैं, तो वो सारा अब ठीक है, उन्होंने कीमत का खुलासा नहीं किया, मैं समझता हूं जब एनहांसमेंट आप क्लियर कर रहे हैं तो फिर कीमत से क्या मतलब है, एनहांसमेंट तो आप दिखा रहे हैं कि एनहांसमेंट किए गए हैं, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट उन राफाल एयरप्लेन्स में, जेट फाइटर्स में किए गए हैं, तो फिर आप छुपा क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, अमाउंट ही आप छुपाने का काम कर रहे हैं कैग की रिपोर्ट में, आखिर में ये इंडिकेशन क्यों नहीं हुआ, कैग क्या, कैग जो किस सिस्टम से पहले काम करती रही है कि वो कीमत को क्लियर नहीं करती, ये भी एक देखने की बात है कि कैग के पास ऐसा सिस्टम था
कि वो कहीं कोई कोड इस्तेमाल करेगी बजाय कीमत के। मैं आज तक तो ऐसा देखने में नहीं आया कि क्या किस तरह के कोड इस्तेमाल करती रही है। राजपूत, आप क्या कहना चाहते हैं ये देखने, ये सवाल का जवाब कौन देगा? ठीक है, मैं सिर्फ सबसे पहले तो जादौन साहब को प्रणाम करना चाहता हूं कि वे निष्पक्ष बात रख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक कहना चाह रहा हूं, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य किसी विदेशी ताकत को फायदा पहुंचाने का काम कर सकता है और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य विदेशी ताकत को फायदा पहुंचाने का काम कर सकता है। ये बात मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। भारत माँ ने ऐसा कोई कपूत नहीं पैदा किया कि जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेले, और विशेषकर कांग्रेस जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर के भारत को आजादी दिलाई और उसके बाद भारत को यहां तक लाने में अपना विशेष योगदान दिया। ये जितनी भी हल्की बातें हैं और ये जितनी भी गैर जिम्मेवाराना बातें हैं, इन बातों से भारतीय जनता पार्टी को, उनके आईटी ट्रॉल्स को बचना चाहिए। देशभक्त वो भी है और देशभक्त हम भी हैं। देशभक्ति के ऊपर किसी की भी प्रश्न चिन्ह लगाना देशद्रोह जैसा अपराध है जीता जी। इस बातों से बचा जाना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यह निवेदन है। ठीक है, पीके सहगल साहब, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि गोपनीयता का हवाला दिया जा रहा है, फिर जिस तरह से इस मुद्दे को उछाला भी जा रहा है, क्या आपको लगता है ये देश हित की बात है? ये देश हित की बात बिल्कुल नहीं है, ये देशद्रोह की बात है। वास्तव में गोपनीय जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेजेस लगाए गए हैं जिसके बारे में चीन और पाकिस्तान जानना चाहते हैं, आप प्लेटर के ऊपर उनको देना चाहेंगे। फिर इसमें कुछ ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जो शायद पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो रडार लगाए गए हैं और जो BVR मिसाइल लगाई गई हैं, उस माफी की इस पूरे एरिया में उस माफी का ना तो मिसाइलें हैं ना इक्विपमेंट है, ना ही उस माफी का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है। ये 4+ जनरेशन का हवाई जहाज है, लेकिन इसकी क्षमता जो है ऑलमोस्ट 5th जनरेशन हवाई जहाज के बराबर है। पाकिस्तान और चीन जानना चाहते हैं वो क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई गई हैं जो अद्भुत हैं, इंडिया स्पेसिफिक हैं। जैसे कि आपकी जो स्कॉर्पियन सबमरीन है उसमें वो जानना चाहते हैं कि उसकी जो एमिशन इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है वो क्या है, अगर उनको पता लग जाए तो सबमरीन इजिली डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज की जा सकती है। इनको बताना या इनका वर्णन करना देश के हित में नहीं है। मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ देशवासियों को कि पिछली सरकार के समय किसी प्रकार का कोई मॉडर्नाइजेशन हुआ ही नहीं। कोई जिस डील की जिक्र कर रहे हैं वो डील तो साइन हुई नहीं थी, वो शायद अगर डील साइन हुई थी तो देशवासियों को दिखाएं कि कहाँ पे वो लिखित रूप में डील साइन हुई है, वो इंटेंशन थी। पिछली सरकार के समय किसी प्रकार की कोई डील, सेंट एंटनी के समय पॉलिसी पैरालिसिस था, किसी प्रकार की कोई डील साइन ही नहीं थी हुई, इसलिए कोई डील रद्द भी नहीं की गई, वो केवल उनका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। सबसे ज़्यादा जो देश को कमज़ोर किया पिछली सरकार ने, अगर आप कैग की रिपोर्ट पहले देखें तो आपके पास केवल 2 दिन का लड़ाई का सामान था, जब आपके पास 40 दिन का होना चाहिए। कारगिल युद्ध के समय भी सामान बहुत कम था, उसके बावजूद तो उसके बाद बजाय उनमें बढ़ोतरी करने के और भी उसमें भट्टा बैठा दिया हर एक चीज़ में, चाहे वो नेवी थी, चाहे वो एयरफोर्स था, चाहे वो आर्मी थी, किसी प्रकार का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, कोई नया इक्विपमेंट नहीं आया, जो पुराना इक्विपमेंट था वो भी सड़ रहा था। आपकी सबमरीन डूबनी शुरू हुई, एक्सीडेंट्स होने शुरू हुए, क्योंकि यहाँ तक कि बैटरीज भी नहीं लाए गए। और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये केवल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास में और अपोजिशन के पास में कोई और मुद्दा है ही नहीं इस इलेक्शन में। सो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए इसको इतने बड़े पैमाने पर उछाला जा रहा है, जब इसमें वास्तव में किसी प्रकार का कोई सच नहीं नजर आता मेरे को। बिल्कुल, ये कैग की रिपोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानने के लिए तैयार नहीं। कैग की रिपोर्ट पेश होने से पहले कह दिया कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, केवल JPC को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है कि जवाब दीजिए है, बाकी सारी दुनिया जो है और बाकी सारी जो कुछ भी पीके सहगल साहब कह रहे हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कह रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, खुद डिफेंस में रह चुके हैं। मैं रिटायर्ड मेजर जी, सभी रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस में ही रहकर के रिटायर्ड हो पाएंगे। मेजर जनरल तभी होता है जब आदमी डिफेंस में। ठीक है, जवाब दीजिए आप उनकी बात। सच्चाई ये है कि अगर मैं अभी अब कुछ इनके मुखालिफ कह दूंगा तो सेना के मुख जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं अगर मैं इनके मुखालिफ कुछ कह दूंगा तो हो जाएगा देश की रक्षा के सेना के लोगों की हम बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा हमारा वो नहीं है। आपकी अपनी सोच हो सकती है जनरल सहगल साहब, और जनरल सहगल साहब को ये भी याद रखना चाहिए
कि इसी आर्मी ने, जिसको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी संसद में कहा था कि इनके पास कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, सब इन्होंने ही, हमने ही 48 की लड़ाई भी जीती, हमने ही 65 भी जीती, हमने 71 भी जीती, और हमारी सेना ने कारगिल भी जीता, ऐसा नहीं है। और हमने वो जो आपका पास है इसके ऊपर, सिक्किम के ऊपर कौन सा पास पड़ता है, नथुला पास, वहां पर भी चाइना को हम लोगों ने आप ही के धूल चढ़ाई थी चाइनीज को, आपको याद होगा, आप उसके सदस्य होंगे। रही बात डिफेंस एनहेंसमेंट की, तो हमने कोई डिफेंस एनहेंसमेंट के लिए चीज नहीं मांगी, और आप ही जैसे लोग कह रहे थे, शायद आप ही कह रहे थे कुछ दिन पहले कि इससे पहले सिर्फ मिग आए थे, तो आप सुखोई भूल गए। सच्चाई यह है कि एक डिफेंस एक्सपर्ट्स की फोर्स फौज के नाम पर एक्स डिफेंस आर्मी वालों को जिस सुरेंद्र राजपूत, आपकी आवाज मुझ तक अभी नहीं आ रही है, लेकिन पीके सहगल साहब, आप जल्दी से कोई जवाब देना चाहते हैं इस पर जो कुछ भी कह रहे हैं? मैं इनको बताना चाहता हूं कि 65 और 71 की लड़ाई सेनाओं ने जीती, लेकिन जब बातचीत हुई तो इन्हीं के प्रधानमंत्री ने सब कुछ पाकिस्तान को वापस लौटा दिया बिना किसी फायदा उठाने के। 71 में हमने पाकिस्तान से जो चीज लेना चाहते थे, कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट हो सकता था, 93,000 प्रिजनर्स हमारे पास थे, सब कुछ लौटा दिया, यहाँ तक कि अपने प्रिजनर्स को भी वापस नहीं लिया, और पाकिस्तान उन हमारे प्रिजनर्स के साथ अभी तक बड़ी बेरहमी से पेशकश करता रहा है। तो जो लड़ाइयाँ फौज ने लड़ी, इन्होंने डिप्लोमेटिक टेबल पर तो वो लड़ाइयाँ हार दी, इसलिए किस मुंह से बातचीत कर रहे हैं? सेना ने इतनी बड़ी कुर्बानियां की, उस कुर्बानियां का फायदा क्या हुआ देश को कि पॉलिटिकल डिस्कशन में सब कुछ, आप इंदिरा गांधी हार गई, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी हार गए। तो आपको लगता बड़ी है कि इस मुद्दे को बेवजह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? एब्सोल्युटली, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इस समय ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो साफ तौर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री की छवि बिल्कुल साफ है, और जो लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी चोर हैं, वो वास्तव में खुद चोर हैं, खुद बेल पर हैं, जो कह रहे हैं सुनील भराला जी आधे घंटे की चर्चा हो चुकी है, लेकिन बात वहीं से शुरू करूंगी कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी नहीं लगता कि रफाल कोई मुद्दा नहीं है। बेशक आप ये कह लें कि सीएजी की रिपोर्ट आपने रख दी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में भी वो लूपहोल निकाल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो आप हवाला देते हैं उसमें भी लूपहोल निकाल रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो बात वो लगातार लोगों को समझाते आ रहे हैं, चौकीदार चोर है, वो सच है। इनकी नजरों में क्या है, इनकी नजरों के रिजल्ट सबको पता है। मैं सुरेंद्र जी राजपूत जी से भी कहना चाहता हूँ, ये पहले विशेष रूप से, कि वैसे हमारे बहुत प्रिय भी हैं ये, आप मुझे बताइए कि पहले जो आप बता रहे थे अभी कि तुमने इतने युद्ध जीते हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान के युद्ध जीते आपने, सारी जमीन जो जिसे बंजर भूमि आपने बता करके, उसको बंजर भूमि का टुकड़ा, खाली खराब बात बता करके देश को गुमराह करने का काम किया था, और जब भी लड़ाई आपने लड़ी उसमें सारी 10 कदम आगे बढ़ी, चाहे वो चाइना रही, चाहे वो पाकिस्तान रहा, जो भी लड़ाई आपने लड़ी, तो उसमें इस देश को घटाने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया। केवल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लड़ाई कारगिल थी, केवल वो लड़ाई घुटने टेक करके भारत की फौज ने, और उनको मजा चखाया, हमारे सैनिक भी उसमें बहुत शहीद हुए, लेकिन देश की आन मान और शान को कहीं भी जरा सा भी रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया उन्होंने। हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ के देशवासियों को गौरवान्वित उन्होंने किया था। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पहली बात तो इनके तथाकथित जो अपने हैं, इनके नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रूप भी काम देख रहे हैं, लेकिन उनको चौकीदार चोर है ये बात जब वो कहते हैं तो हास्यपद ये बातें हैं कि एक वो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और वो दिलों की धड़कन है इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ देश के वासियों की, उनके बारे में कहना, पहले तो इनकी खुद इनका ही मजाक जनता के बीच में बना हुआ है, और बिगर मुद्दे के जो राफेल को ये मुद्दा जिस प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और मुद्दा अगर इनके पास होता तो इनको इस बात का अपने आप वो होता कि हमारे पास बड़े मुद्दे मिले हैं हमें। लेकिन सुनील भराला जी, मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मुद्दा बना चुके हैं।
मुद्दा कोई नहीं बना, वो इनको लग रहा है ये अपने आप को मिट्ठू अपने मुंह मिट्ठू मियां बनते रहे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता में कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा नहीं होता तो है ना, और देश का चुनाव है, भारत के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है, रक्षा मंत्री भी तो उस चुनाव में इनको भी पता लग जाएगा कि इस बात का कि वो मुद्दा कितना मुद्दा है। भारतीय पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जवाब तो देना पड़ रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज जब सीएजी की रिपोर्ट भी रखी गई उसके बाद फिर जवाब, तो जवाब की बात है तो ये तो बेहा बेश्रम हो चुके हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नहीं माना, भ्रष्टाचार नहीं माना सर्वोच्च इस देश की, या तो ये कहे कि हमें इस देश के कानून पर, ये कहे कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय पर हमें कोई विश्वास नहीं है। एक तो ये सर्वोच्च न्यायालय को भी जब झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी वो एक अच्छा चौकीदार के रूप में इस देश की चौकीदारी कर रहा है। उसने ना तो एक फुट जमीन इधर उधर होने दी, जो हाँ ये बात कर रहे हैं, और आज बॉर्डर की स्थिति और जम्मू कश्मीर की, इस हिंदुस्तान की, जहाँ जहाँ अलगाववाद था, जहाँ तमाम झंझटें थे, अच्छा ठीक है, मुझे चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रहा चाहे कहीं भी रहा, कि जहाँ दंगे और देश के अंदर आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, और ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजन सिंह जादौन जी भी बैठे हुए हैं। आपसे कुछ देर पहले जब आप नहीं थे तब बात यही उठ रही थी कि आखिर जेपीसी की जो मांग है कांग्रेस पार्टी की, उसको पूरा करने में दिक्कत क्या है, बीजेपी को जेपीसी से जांच करवाने में क्या परेशानी रही, अगर कोई एक संशय आया, कहीं एक डाउट खड़ा हुआ, तो क्यों उस संशय को कायदे से दूर नहीं किया गया। देखिए राफेल के मामले को जब सर्वोच्च न्यायालय की पूरी न्यायालय ने सुन लिया उसको, तो या तो ये सर्वोच्च न्यायालय पर इन्होंने तो किया था, उसको प्रोटेस्ट करने भी गए थे, उस पर क्या इनको कोई वहाँ अगर कोई बात आती तो लगता कि इसकी आवश्यकता है तो कराते। जब वहीं से बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो फिर आवश्यकता क्या रह गई थी और एजेंसियों से जाँच कराने की, या कोई आवश्यकता अच्छा लगती है क्या इस देश की जनता की कोई। अच्छा फिर दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो ये बात कह रहे हैं कि इस देश के अंदर राफेल इतना बड़ा मुद्दा बन गया हो कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में बड़ो आंदोलित हो गए हिंदुस्तान की जनता, तो मुझे बताइए एक किसी का ज्ञापन, किसी ने धरना, किसी ने प्रदर्शन किया हो तो हमें बताइए, बैठे हैं सुरेंद्र राजपूत जी उनकी तरफ से, तो बताएं ये इस बात को तो। और आपने देखा तो आप तो सब कवरेज करने वाले लोग हो सारे देश की, आपको इस चीज का पता है कि अगर ये जनता का ये मुद्दा बन जाता और जनता को लगता कि इसमें घोटाला हुआ है तो सड़कों पर उतरती जनता, सड़कों पर उतरी है इस भारत की जनता, कभी नहीं, जनता ने जवाब दिया आपको तीन राज्यों में, बहुत स्वाभिमानी है, तीन राज्यों में जवाब दिया आपको, क्या तीन हिंदी भाषी राज्यों में विधानसभा चुनावों में जवाब दिया ना, तीन राज्यों की जब ये बात घूम घूम कर राहुल गांधी ने लोगों को यही बात समझाई, वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, हमारा कम नहीं हुआ, सीटें हमारी कम हो गई, सीटें कम हो जाना हमारी तो ये नहीं, और वहाँ अगर सीटें कम हुई है वोट प्रतिशत में हमारी कोई कमी नहीं आई है, मध्य प्रदेश में हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, शिवराज सिंह जी हमारे लोकप्रिय हैं वहाँ के, सरकार नहीं बना पाए, सरकार एक अलग विषय है कि सरकार नहीं बना पाए वो अलग विषय है, लेकिन हमारी वहाँ लोकप्रियता नहीं घटी कि जनता के बीच में लोकप्रियता जो हमारी आंतरिक कोई चीजें अनियमितता हो सकती है वो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ की परंपरा है राजस्थान की है कि वहाँ 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है अब तक का इतिहास रहा है, तो हमने कहा कि या इस प्रकार की कुछ चीजें हमारे नीचे अपनी कोई कमियां हैं खामियां हैं वो हमारी है, लेकिन अगर ये बात आप ये कह करके अपना ये सीना चौड़ा कर रहे हैं जबरदस्ती, आपको लगता है कि रफाल का कोई रोल नहीं रहा, झटका लगाया सरकार नहीं बन पाई इन तीनों राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारी, इसमें रफाल का कोई रोल नहीं रहा ये कह रहे हैं? सुनील बराला यही कह रहे हैं ना आप कि इसमें रफाल का कोई रोल नहीं रहा? जी जी आइए बात इस पर नहीं, राफेल को ये कह रहे हैं ये लोग मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता राफाल को नहीं मान रहा बिल्कुल भी ना, उसका वो कुछ कहना चाहते हैं ठीक है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल पाक साफ है, नेक नियत ईमानदार है और देश को ये पहली बार ईमानदार नेता मिला है, इलेक्शन में राफेल का कोई रोल नहीं था, सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे मुद्दे थे प्रधानमंत्री तो ये बड़ी बात है ठीक है ठीक है। 125 करोड़ के दिलों की धड़कन है वो, नहीं ठीक है चलिए बोलिए जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो पिछले इलेक्शन हुई उसमें राफेल का मुद्दा मुख्य मुद्दा नहीं था, मुख्य मुद्दे दो थे, एक फार्मर्स का डिस्ट्रेस और दूसरा लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, कि आपकी सरकार जो है उन्होंने नौकरियां
युवकों के लिए नौकरियां पैदा नहीं की, और दूसरा जो फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं और फार्मर्स डिस्ट्रेस है, वो मुख्य मुद्दे थे, उसी की वजह से आप लोग हारे। सुरेंद्र राजपूत, उसी को निगाह में रखते हुए आपने जो सुनील भराला ये कह रहे हैं कि जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, आपने सीएजी की रिपोर्ट आ गई, सीएजी की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई, अब कोई आवश्यकता नहीं है जेपीसी की। क्या कहें अजीता जी, जब सरकारी संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से कुचलने के बाद, अपने लोगों को बैठाने के बाद इस तरीके की अगर आप जेपीसी से सीएजी से रिपोर्ट बनवा दे रहे हैं तो बनवाइए, हम क्या कर सकते हैं। जब सरकार आएगी, बदलेगी, वो अपने आप सारी चीज़ों को ठीक करेगी। और अगर सीएजी की रिपोर्ट ही इतनी सही रिपोर्ट्स हैं और आप मान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यकाल में 28,000 करोड़ का एक घोटाला गैस, गुजरात गैस का हुआ है, उसको भी सही मान करके मोदी जी को जेल भेज दीजिए एक बार। एक बात, दूसरी बात, सुनील भराला जी बड़े सम्मानित सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, 28,000 करोड़ रुपए जनता की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की जीत हुई है, सरकार कांग्रेस की बनी है, राजस्थान में कांग्रेस की बनी है, और जहां सरकार भाजपा की बनी है वहां भी कांग्रेस को वोट मिले हैं। तब तो कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात कर रहे थे, नपना एक ही रखिए ना, या तो किलो में तौलिए या लीटर में तौलिए, जहां हम हार गए वहां कांग्रेस मुक्त हो गया, और जहां हम जीत गए तो आप कहते नहीं साहब वोट परसेंटेज हमें मिला है, तो ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। तीसरी बात, मैं जनरल सहगल को जवाब देना चाहूंगा कि जनरल सहगल कम से कम फौज के साथ आप गद्दारी मत कीजिए, और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं और मैं वार्न कर रहा हूं आप जैसे फौजी को कि आपने 1971 की जीत और 1965 की जीत में आज अपना वक्त देकर के देश की सबसे परंपरागत और महान और प्रोफेशनल आर्मी के मुंह पर आपने तमाचा मारने का काम किया है, और ये इतना गंदा आपने काम किया है कि इसके लिए आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी होगी 1971 के लिए भी, 1965 के लिए भी। आपको शर्म नहीं आती है, आप इतने इतने बेशरम हो गए हैं, आप इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि आप 65 की जीत को और 71 की जीत को कह रहे हैं कि क्या नाम हमारी जीत नहीं थी। बेशरम आदमी है आप, बदतमीज आदमी है आप। बिल्कुल भाषा का संयम, दोबारा से कह रहा हूँ ये शख्स बदतमीज है, ये शख्स बदतमीज है, बेशरम है, जिसने भारत की फौज का अपमान किया, क्योंकि आप इस शो पर इसने भारत की फौज का अपमान किया, इस आदमी ने सुरेंद्र राजपूत बिल्कुल भारत की फौज का अपमान किया है, और भारत की फौज का अपमान करने वाला किसी भी आदमी को मैं कुछ भी बोलूंगा। भाषा की मर्यादा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जो आदमी भारत को और भारत की फौज का अपमान करेगा उस आदमी को हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये फौजियों की बेइज्जती है, ये देश की बेइज्जती है। नहीं नहीं, आप अकेले देशभक्ति का तमगा मत लीजिए, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, लेकिन इस बदतमीज आदमी ने 1971 के वार को, ऐसे नहीं होगा सुरेंद्र, इस आदमी ने 1971 के वार को डिमीन किया, आपको अपनी भाषा का संयम, बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहले आपने अपनी बात को माफी मांगी। अगर आप भाषा का संयम रख के बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। बदतमीज आदमी है, नहीं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्या आप इस डिबेट में रहना चाहते हैं करने वाला आदमी सुरेंद्र राजपूत, क्या आप इस डिबेट में रहना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, भाषा के संयम से बाहर जाकर बात नहीं होगी, मुझे सुरेंद्र राजपूत के साथ डिबेट कोई कर सी हटाइए आप, मुझे बिल्कुल नहीं आया था, आप राजीव जाता हूँ आपके पास आती हूँ मैं, सुन लीजिए आप, नहीं आपने मुझे बुलाया था, मैं नहीं आया था, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी डिबेट में आने का, नहीं लेकिन आप भाषा का संयम रख के बात करेंगे सुरेंद्र, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शो पर कोई भी चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, भाषा का संयम रख के बात करेंगे। नहीं सुरेंद्र राजपूत, आप अकेले अपने आप को देशभक्त साबित करिए, नहीं ये गलत बात है, आप ऐसा मत करिए, भाषा की मर्यादा रखिए सुरेंद्र राजपूत, भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। आप लोगों ने वो जीत को आपको जो कहना है, आपकी बात का पूरा सम्मान है, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए। गाली देगा वो बर्दाश्त, यहाँ पर कोई गाली नहीं दी जा रही है, यहाँ पर किसी ने गाली नहीं दी है, सुन लीजिए, आपने अपने असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया है।
किसी ने कोई गाली नहीं दी है। उन्होंने भाषा का संयम रखिए, अपनी नहीं, उन्होंने मर्यादित तरीके से अपनी बात की, आप भी मर्यादित तरीके से अपनी बात करिए। सारा देश सुन रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई मर्यादा तरीके से नहीं। क्यों खड़ा कर रहे हैं? मेरी फौज को उन्होंने गाली दी है, का हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? जीत थी, देखिए विषय से बेवजह का हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? भटक रहे, आपको रहना है रहिए और नहीं रहना है मत रहिए। बिल्कुल सही बात है, यू कैन से दैट। नहीं बिल्कुल, देखिए भाषा का संयम अगर आप देखिए, मेरे लिए सभी मेहमान, सभी पैनलिस्ट सम्मानीय है। सुरेंद्र राजपूत, आपका सम्मान मेरी जिम्मेदारी है, शेखर साहब का सम्मान भी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने फोन किया था आपको, नहीं सुरेंद्र राजपूत बीइंग एन एंकर, मैंने फोन मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सभी पैनलिस्टों का सम्मान है। यहाँ पर मैं इस बात की इजाजत आपको नहीं देती हूँ कि आप मर्यादा से बाहर निकल कर बात करें, इस बात की इजाजत आपको नहीं है बिल्कुल भी। 65 और 71 में मैं आपके ऊपर भी उंगली, अगर कोई अपनी मर्यादा से बाहर जाकर आपके ऊपर उंगली उठाता है तो मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और वही मैं आपसे भी अपेक्षा नहीं रखती हूँ। नहीं सुरेंद्र राजपूत, बेवजह का हंगामा मत खड़ा करिए। वापस आते हैं राजेंद्र जादौन, देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र जादौन, यहाँ पर जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, सुनील भराला ने अभी ये कहा, आपने कहा कि जेपीसी की आवश्यकता थी। सुरेंद्र राजपूत अब शांत हो जाइए, अब वापस चर्चा पे लौटते हैं, समय बहुत कीमती होता है। राजेंद्र जादौन, आपने जेपीसी की बात की, आपने कहा कि जेपीसी हो जाती अगर, सुरेंद्र राजपूत बातचीत को बताइए, भाषा का संयम आप रखेंगे, आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं इस चर्चा में, लेकिन भाषा के संयम रखेंगे, भाषा का संयम मेरा ऐसा ही रहेगा, से बात करेंगे, देशद्रोहियों के खिलाफ भाषा का संयम नहीं रखा जा सकता, जो फौज को कुछ कहेगा सभ्यता से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, सभ्यता से बात करेंगे। वापस जेपीसी पे लौट रहे, चलिए बहुत समय खत्म, नहीं बहुत समय खराब हो गया, वापस लौट रहे हैं चर्चा पर। राजेंद्र जादौन जी, जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, ये अभी अभी सुनील भराला जी ने जो कुछ कहा, मुझे बताइए, आपने कहा कि अगर जेपीसी हो जाती तो बात ही खत्म हो जाती, जेपीसी बिठाने में आखिर क्या एतराज था? उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जेपीसी की आवश्यकता लगती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए पहली बात तो यह है कि एक रक्षा सौदे की बात हो रही है, एक रक्षा सौदे में ईमानदारी से काम हुआ है या नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि इसमें पूरे रक्षा इतिहास में जाने की जरूरत क्या है। रक्षा इतिहास तो ठीक है कि पूरा पुराने समय में मुगल काल में चले जाइए कि उसमें ये बातें आई हैं कि हम तकनीकी की कमी के कारण हारे, हमारे शौर्य में वीरता में कोई कमी नहीं थी और हमारे पास तकनीकी साधन नहीं थे इसलिए हम हारे। चाइना के साथ जब हम वार हुआ हमारा 62 में, तो हम इसलिए हारे कि हमारे पास आर्म्स इम्यूनिशन नहीं था, और उस समय ये वार वेटरन्स ने ये बताया है कि उस समय संगीनों से युद्ध लड़ा गया, और जो हमारे दुश्मन थे चीनी, उन्होंने प्रशंसा की हमारे सैनिकों की कि हमने बड़ी वीरता के साथ हथियार ना होते हुए भी युद्ध को लड़ा और मुकाबला किया और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। बात इसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि एक रक्षा सौदे में ईमानदारी रही या नहीं रही। सवाल यह है कि इतने तकनीकी सवाल खड़े हो गए, शुरू से लेके आखिर तक इस तरह के स्टेप्स आए हैं जो जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट है, और जब अगर एक राजनीतिक वातावरण ऐसा बन गया है तो मैं समझता हूं कि जो लगातार सत्ता में रह के देश की सेवा करना चाहते हैं वो कण मात्र भी संदेह को जिंदा क्यों रखना चाहते हैं, इसके बहुत बड़ा सवाल है। बात ना यह है कि आपने फाइटर राफेल फाइटर में क्या सिस्टम लगाए हैं, उसका इंस्पेक्शन कोई कराने नहीं जा रहा है। बात कीमत की आ चुकी है कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर नेगोशिएशन में कितनी कीमत थी, और कह के रहा है कि उससे 2.86% सस्ता आ गया, तो क्या कीमत का आइडिया नहीं लग रहा है? जो तमाम जासूस बैठे हुए हैं, जो भारत की रक्षा निगरानी कर रहे हैं, क्या प्रतिरक्षा की निगरानी करने वाले ये अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या कीमत गई गई है और सिस्टम क्या हो सकते? रक्षा सिस्टम जो लगाए गए हैं, जो उसमें फाइटर जेट में लगाए गए, उनका इंस्पेक्शन कौन करवा रहा है? अब आप देखिए कि फिर आपने जो है पठानकोट हमला हुआ और आपने पाकिस्तान की टीम को पठानकोट एयरबेस के इंस्पेक्शन की परमिशन क्यों दी? आखिर में ये चूक क्यों हुई? वो पूरी आपकी ज्योग्राफी और आपके एयरबेस की क्या
क्या स्ट्रक्चर है उसका पूरा देख के चले गए। तो सवाल यह है कि कीमत पे आपको जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं उनको डिस्पेल करने में परेशानी क्या है? संदेह तो कणमात्र का भी होता है। ठीक है सुनील बराला, अगर आपको लगता है कि हमारी चादर बिल्कुल पाक साफ है, लेश मात्र तो उस चादर भी, को लेश दिखाइए ना, संशय क्यों खोल कर दिखाइए कि चादर पाक साफ है। क्यों मौका दिया जाए विरोधियों को कि वो उसका मुद्दा बनाए? चादर की गांठ बंधी हुई है तो ये जो है मुद्दा इसलिए बना है कि आप लगे हुए हैं बिल्कुल लगातार उसको किसी तरह से ढकने में, लग रहा है कि आप पॉलिटिकली। ठीक है राजन जी, जवाब ले लेते हैं सुनील बराला जी से एक मिनट। ये पॉलिटिकल डाउट देखिए ऐसा है कि पूरे देश की जनता नहीं दुनिया जानती है इस बात को कि अगर किसी प्रकार का राफेल वाले प्रकरण में कोई घोटाला होता वो केवल सोचने और समझने का फेर हुआ है। आप देखिए कोई भी अगर मार्केट में भी जाता है आदमी, मार्केट में जब जाएगा तो एक चार पहियों की कार वो भी एक लेकर के 5 लाख रुपए से लेकर के और 10 करोड़ तक की है, तो आपकी च्वाइस क्या है, आपको कैसे साधन चाहिए, आपको कैसा असला चाहिए, देश के पास कैसा असला होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ में। अब ये इस बात का मुद्दा क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने भारत के 2014 से और आज तक पूरे 5 साल अब होने जा रहे हैं, उनको कहीं भी उंगली धरने की जगह नहीं मिली, उनके चरित्र को लेकर के ना उनके ईमानदारी को लेकर के कुछ था ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी किसी प्रकार का भी। और वहाँ भी जब अभी सुरेंद्र जी राजपूत जी कह रहे थे, उन्होंने गुजरात की चर्चा करी तत्कालिक मुख्यमंत्री होते उस समय की, 24,000 करोड़ रुपया का वहां घोटाला हुआ, मतलब देश यानी कि आंखें मूंद के बैठी है जनता इस देश की, इसका मतलब तो यह है कि आप किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे। और आप जैसे आप वो बात मनगढ़ंत बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी राजपूत जी, ऐसे ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां मनगढ़ंत बात कर रहे हैं राफेल की, तो और किसी ने तो आज तक राफेल वाले प्रकरण में किसी ने, और जहां से खरीदा गया, जहां से लेकर के उसकी सब चीजें हुई, उस पर खूब बारीकी से सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर खूब अध्ययन किया है, उस पूरी पीएल को ठीक अच्छे से सुना है, देखा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सब चीजें। और रक्षा विशेषज्ञ जब भी हमारे बैठे हैं देश की सेवा करके यहीं पर जनरल साहब, वो सब लोग जानते हैं इस बात को, तो इस पर जो है ऐसा कहीं भी जरा सा नहीं रहा कि राफेल कोई मुद्दा है या उसमें कोई किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है या उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सब कुछ ना होते जब नहीं था कुछ भी। अगर ऐसा तो ये कुछ नहीं है एक तो जबरन तरीके से होता है। सुनील भराला, आप तो बहुत हल्के में इस पूरे मामले को सामने रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता रफाइल के मुद्दे से। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, क्यों रोज कागजात दिखाने पड़ जाते हैं, क्यों सदन में जवाब देना पड़ जाता है, अगर वाकई सिर्फ देखिए और समझने का फेर है। ये भी होगी अपनी बात, हम पार्टी के हमारे सब लोग हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हम सब लोग को बात तो रखनी है, कोई बात रहेगा, लेकिन हम उस पर ये बात मतलब प्रधानमंत्री के लिए कह दिया जाता है चौकीदार चोर है, ठीक है, इनके ऊपर क्रिमिनल मामला चलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, यहाँ तक कह दिया जाता है और आप कहते हैं कि सोचने समझने का फेर है। ये इनके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार के बम फोड़ूंगा, अभी कोई बम ही नहीं फूट रहा उनका, कहाँ है वो बम, 5 साल हो जाएंगे कहते कहते इस बात को, तो वो कभी कहते कि मैं ये कर दूंगा, मैं कभी ये फोड़ दूंगा, तो कभी तोप चला दूंगा, ये जब है ही नहीं कोई, ये मुद्दा ही नहीं है किसी प्रकार का, तो हम उसे गंभीर क्यों बने, हम गंभीरता से जब हमने पूरा स्पष्ट कर दिया हमारे मुद्दा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नजर में ये मुद्दा ही नहीं है, रक्षा मंत्री जी ने ठीक है सदन के अंदर उसे रख दिया, हमारे सभी जो इनको बोलने दे दीजिए फिर बोलूंगा मैं, क्योंकि बीच में बोलूंगा तो गड़बड़ होगा। आप मुझे बताइए कि उसको आप क्या मुद्दा बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी? सुरेंद्र राजपूत, ये सिर्फ सोचने समझने का फेर है, फिर क्यों मुद्दा बना रहे हैं आप? मतलब आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है, आप इसी वजह से रफाल उड़ा रहे हैं। अजीता जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नकटे की नाक कटी सवा गज बढ़ी, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तथ्य आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट से छुपाए हुए तथ्य आपके सामने है,
आपके सामने डिफेंस सीक्रेट्स की वो सारी फाइल हिंदू रोज रोज दे रहा है, सारी नोटिंग रोज रोज दे रहा है, सारे डिस्टेंट नोट रोज रोज दे रहा है, INT के मेंबर्स की सारी चीजें दे रहा है कि आपने क्या छुपाया क्या बताया। इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट ऑलरेडी सरकार कह चुकी है कि वो सारे के सारे हैं जो 2015 के थे, कोई नया एनहांसमेंट नहीं है। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, अरुण जेटली का, निर्मला सीतारमन का, और क्या नाम मोदी जी तो बोले ही नहीं इस पे। तो जो चीज इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट 100 रुपए में 136 विमानों के हो रहे थे, वही इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट 100 रुपए में 36 विमानों के हो रहे हैं, तो 3 गुनी से ज्यादा की जो कीमत उनको दी जा रही है सेम उस पर, वहीं पर सारा घोटाला है अजीता जी। लेकिन मैंने कहा ना कि एक कहावत है, वो मैंने आपको सामने ही बता दी, कोई मानना नहीं चाहता, कोई निर्लज्जता करना चाहता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास एजेंसीज नहीं है जांच कराने के लिए, तो हमने कहा कि भाई आप JPC कर लीजिए, और JPC में भी चूंकि 283 आपके मेंबर है, 340 पूरे NDA के पास में, विपक्ष के पास 140-150 के आसपास है, उसी हिसाब से आपको JPC में जगह मिलेगी, आपकी ज्यादा मिलेगी हमें कम मिलेगी। तो अगर आपकी बात सही तो आपके सामने आ जाएगा, हमारी बात सही हो जाएगी तो उसको, क्योंकि MP चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के बसपा के, सारे MP देशभक्त हैं, कोई हिंदुस्तान का आदमी देशद्रोही नहीं है, और कोई नहीं चाहेगा कि हमारे डिफेंस डील में किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी सेना को खराब इक्विपमेंट मिले, ऐसा हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं चाहेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला हो, चाहे कांग्रेस को मानने वाला हो। तो एक चीज हमने बड़े मासूमियत से कहा कि साहब आप JPC करा लीजिए, आप ही के ज्यादा मेंबर रहेंगे, गलत होगा तो भी सामने आ जाएगा, और सही होगा तो भी सामने आ जाएगा, लेकिन निर्लज्जता का खुद ही कह दिया कि सभी देशभक्त हैं, ठीक है, कराएंगे चाहे इसके अलावा कुछ हो जाए, आपने खुद ही कह दिया सभी देशभक्त हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए PM पर, राजद्रोह है जो उन्होंने किया है। मैं बिल्कुल सही बात है, अगर आप फैक्ट्स को कंसील कर रहे हैं, जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, अगर आपने खुद फैक्ट्स को कंसील किया है सुप्रीम कोर्ट से, उन फैक्ट्स को कंसील किया है इस डिफेंस डील से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मैलाफाइड इंटेंशन का मुकदमा चल रहा है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहा है उन्होंने, मुझे बताइए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ मुकदमा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, कब तक चलेगा ये रफाइल ये बताइए। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही, ये चीज तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जी, ये रफाइल जो है तब तक चलेगा जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, जब तक 30,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आ जाते हैं तब तक चलेगा, एक एक विमान हिंदुस्तान में आएगा। मैं आपको अगस्ता की बात करता हूँ, नहीं अभी अगस्ता में तीन हेलीकॉप्टर आए, इतना समय नहीं, तीनों हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ सुरेंद्र जी समय नहीं है, समय मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी रफाइल को मुद्दा बनाएगी। 30 सेकंड तो दे दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड, ठीक है बोलिए। रफाल को मुद्दा हम बनाए ना बनाए, जनता बना रही है, चौकी जनता मान रही है चौकीदार चोर है, रफाल चोर है। आप देखिए ना कि जब जनता ये कह रही है आज की डेट में कि 100 रुपए में 136 विमान हम सही करा रहे थे, और ये लोग 100 रुपए में 36 विमान सही करा रहे हैं, अजीब किस्म के लोग हैं भाई, तीन तीन गुना पैसा ज्यादा दे रहे हैं विमानों को सही कराने में, ठीक है सुनिए बराबर, कहां चला गया वो पैसा, कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, जनता जानना नहीं चाहेगी क्या रफाल का असर इस मुद्दे का कोई असर है, और चौकीदार क्योंकि इनका इनके सारे पूरे देश की जनता इस बात को जानती है, जो लोग हवा को भी जिन्होंने बेका हो, करोड़ों लाखों करोड़ों के घोटाले किए हो, कामल वैन जैसे घोटाले किए हो, सुनील बराला मुझे तो ये बताइए कि क्या 2019 में रफाल को मुद्दा मानते हैं आप चुनावों में? रफाल कोई मुद्दा ही नहीं है, रफाल तो इस देश की जो रक्षा के लिए जो आए रफाल वो बिल्कुल ईमानदारी और उसके साथ है, नहीं जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, नहीं समय बहुत कम है सुनील बराला जी, अभी नहीं, सैगल साहब आपको क्या लगता है पराक्रमी रफाल पॉलिटिकल मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है? मेरे मुताबिक ये मुद्दा नहीं है, स्केल ऑफ 1 to 10 अगर आप लोगों से पूछो तो सबसे पहले वो कहते हैं फार्मर डिस्ट्रेस, दूसरा बोलते हैं जॉब क्रिएशन, तीसरा बोलते हैं गुड गवर्नेंस, चौथा बोलते हैं करप्शन। ये रफाल का मुद्दा
आठवें या नौवें नंबर पर आता है, इसलिए जनता के लिए मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा केवल कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है, जादौन साहब आपको क्या लगता है 2019 में रफाल चुनावी मुद्दा रहेगा? देखिए, अगर इस तरह से डाउट बने रहे और ये बात चर्चा होती रही पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, अगर वो चलता रहा तो ऐसा नहीं है, कुछ वर्ग सोचने वाला उस तरीके से सोचने वाला भी है कि आखिर में इसको एक्सपोज क्यों नहीं किया जा रहा पूरी तरह से। इसमें जितना गोपनीयता के पहलू की चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ उतनी गोपनीयता तो तमाम खुलासे हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि 2019 के चुनावों में रफाल उड़ेंगे, अभी फिलहाल ये जो मुद्दा है ये खत्म होता नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, सुरेंद्र राजपूत आपका, सुनील भराला आपका, राजन सिंह जादौन और पीके सहगल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।